हम सब फकीरों के लिए एक बैठने की जगह और रहने की जगह है, ये इंसान के लिए अच्छाई के लिए है ये। तो वापस से नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम हैं ढाका में, एक्चुअली यहाँ पे एक मेला है और ढाका को आप भली भांति जानते होंगे, ये बांग्लादेश की राजधानी नहीं है, वो ढाका अलग है। और हम जिस ढाके में अभी मौजूद हैं ये झारखंड में मौजूद है और दुमका ज़िले में आता है। तो यहाँ एक बहुत फेमस मेला होती है, मज़ार मेला। तो हमारा किसी ऑडियंस का थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि उनको थोड़ा इस मेले को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करें और दिखाएं। तो चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर अच्छी तरीके से करते हैं, हमारे वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए। वैसे तो मेला घूमना किसे पसंद नहीं, सभी की होती है। इस मेला से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। जब हम छोटे थे तब छोटे छोटे दोस्तों के साथ घर से भाग के मेला आ जाया करते थे, वो भी पैदल। आज के समय में लगभग सब कुछ महंगा सा हो गया है। पहले हमें 20 रुपये मिलते थे और उसी में सारा मेला आराम से चल जाया करता था, पर आज के बच्चे सीधा 100 रुपये से शुरू करते हैं। इस मेला का स्थान हमेशा से यही रहा है, लेकिन समय के साथ फैलता गया। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी सारी दुकानें हैं और रंग बिरंगा सामान जो आंखों से हटने का नाम भी नहीं लेता। खेलकूद और मनोरंजन के साधनों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमें लगता है आज के बच्चे ज़्यादा लकी हैं, लेकिन हमारे समय का बचपन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो एक गोल्डन टाइम रहा। यहाँ देखिए, यह भाई बीच में डांस करने लगे। भाई का काफ़ी इच्छा रहा होगा हमें ऐसा लगता है, और आज वो पूरा हो गया। और देखिए कितनी ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, पूरा महफिल भी लगा दिया इन्होंने। अब चलिए बीच मेला की ओर चलते हैं और आज का मेला का जायजा लेते हैं। मौसम ख़राब होने के बावजूद काफ़ी भीड़ भाड़ है और दुकानें भी काफ़ी ढेर सारी है, खासकर खाने पीने की दुकान। इस मेले से साल भर ना जाने कितने लोगों का उम्मीद रहता होगा और इंतज़ार रहता होगा। थोड़ी बहुत मोटी कमाई हो जाती होगी। तो चलिए थोड़ी देर बाहर की ओर चलते हैं। और एक यूनिक सा आज ये दिखा कि लोग राजस्थान से भी आए हुए हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। सारा क्रेडिट जाता है मेला की कमेटी को और मेला में आए हुए लोगों को। मेले की खासियत है, ये मेला किस लिए लगती है हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो एक यहाँ पे एक मज़ार है जो बाबा का नाम है बाबा फतेह अली शाह, और यहाँ बहुत पहले रहा करते थे और उनका मतलब कुछ अजूबा कारनामा बहुत ज़्यादा होता था, जिस कारण यहाँ पे जो डेथ हुआ एक मज़ार बनाया गया और उसी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे मेला आयोजित होती है। तो जिसमें कि भीड़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखी जाती है हर एक साल। और अभी शाम का वक्त है, अगर रात की बात करें तो रात में यहाँ बहुत सारा कुछ प्रोग्राम भी होता है। कोशिश करेंगे अगर रात में आ सके तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और चलिए आपको मज़ार तक ले जा कर दिखाते हैं कि मज़ार में और क्या कुछ है। जैसे कि यहाँ पर एंट्रेंस देख सकते हैं और सामने कुछ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है। स्टेज में क्या होता है कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, जैसे कि बंगला भाषा में जैसे कुछ गीत टाइप का। और इस लेफ्ट साइड में जो आप बहुत सारा दुकान देख रहे हैं, ये सब में एक्चुअली सिरनी या प्रसाद के रूप में जो चढ़ावा होता है बाबा के लिए, तो वो कुछ मिठाइयाँ है, बतासा है और जो चादर है, अगरबत्ती है, वो सब सारा कुछ मिलता है। तो अंदर का नज़ारा दिखाएंगे कि अंदर में किस तरीके से है। और दूसरी बात है कि मतलब एक सिक्योरिटी के पर्पस से अगर देखें
तो हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी का निगरानी हो रहा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिल जाएगा ताकि किसी भी तरीके का हताहत ना हो और अच्छी तरीके से मेला आयोजित हो सके। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस, यहाँ पे सबको आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक खास रिलीजन आ सकते हैं दूसरा को नहीं आ सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। जिनको भी आना होता है वो स्वेच्छा से यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे हजरत दाता फतेह अली साह ढाका, ग्राम ढाका, पंचायत ढाका, थाना सगरीपुरा के हैं। ये हमारे बुजुर्ग है, दीन ओलिया है। ये हमारे यहाँ इतने इनके उपलक्ष्य में हमें बांगला पाँच चेत उर्स पे एक मेला आयोजन किया जाता है। इस मेले में जैसे कि अब बहुत 40-50 साल पहले से लग रहा है, इसमें हजारों की तादाद में ये मेला लगाया जाता है। 4 दिन का मेला लगता है। तो अभी देखिए शाम का वक्त है और लाइट वगैरह सारा कुछ जलना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे शाम हो रही है, लाइट जल रहा है, उतने ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा ना, आप देख सकते हैं ये वाला जो एक कुएं का आकार का बनाया हुआ है और इसमें लकड़ी वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है, लकड़ी जल रहा है, आग है इसमें, आप अच्छी तरीके से देखिए। और साथ में अगरबत्ती वगैरह जो भी है सारा कुछ इसमें है। तो हम चाहेंगे ना कि ये किस पर्पज़ से इस चीज़ को जलाया जा रहा है और क्या हिस्ट्री है, और मतलब एक्चुअली एक जानकारी चाहिए। तो ये बाबा रूप से थोड़ा पूछते हैं। लुत्फे अंबिया करमे मुर्तजा बाबा फजले पंजतन, पंजतन की 5 नारा, 1 नारा हैदरी, सखी पीर की कलंदर बोल, साहों के साह और बादशाहों की बादशाह, लुत्फे अंबिया करमे मुर्तजा बाबा फजले पंजतन, पंजतन की 5 नारा, 1 नारा हैदरी, सखी पीर की कलंदर बोल। ये रोशनी दान कहते हैं इसे, और ये मेरा दीन का बुनियाद और मेरे अली का ये पहचान है। और जब तक लिए बू अली सा कलंदरों का ये सुलगान, ये रोशन धुनाए, जब तक धुमा उठते रहेंगे तब तक बाबा का सदके में इंशाअल्लाह यहाँ की रुतबा और जलाली बढ़ता रहेगा, यहाँ का मर्तबा बढ़ता रहेगा। और हम लोग जितने भी फतेह अली साहब बाबा का दरबार पर ये 2013-14 से शुरुआत हम लोग जब से किए हैं तब से यहाँ का रंग और नक्शा बस दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हम लोगों को। और हम लोग ये चीज़ को पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं कि ये चीज़ के लिए जब तक हम लोग मेरी जान है इंशाअल्लाह हम सबों का साथ, पंजतन का नारा लगता है और लगता रहेगा और लगता रहता था। लेकिन अली का नारा का ये सदका है, अली का नारा, पंजतन का नारा लगते रहेंगे जब तक फकीरों रहेंगे, हमारे पंजतन की नारा लगते रहेंगे, शाहों के शाह और बादशाहों के बादशाह जो है हमारे पंजतन हुसैन हसैन माँ फातिमा हजरत अली आकाए मोहम्मद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदके में ये धूला पंजतन हम सब फकीरों के लिए एक बैठने की जगह और रहने की जगह है। ये इंसान के लिए अच्छाई के लिए है, ये दुआगिर जगह है, जो भी आता है उनकी मुराद और मकसद फतेह अली बाबा पूरा करते हैं। पानी में बारिश में पड़ के बिना छेड़ने का, यहाँ पे कैसे कैसे दीवाने हैं जो बिना छेड़ने का बारिश में पड़ पड़ के या बीच बीच के बैठ के रात गुजार देता है और दिन गुजारता है। हम लोग यही कहना चाहते हैं तमाम आदमी से जो जिसको इसमें दिल आए इसमें हाथ व्यवस्था कर जाए, जिसका मुख्य का आदमी का बात चलता है वो इंसानों का बातों से, जैसे हम लोगों का मुकम्मल काम अगर हो जाए तो फतेह अली साहब बाबा का दीवानों और हम लोग काफ़ी यहाँ झुंड लगाएंगे हो सके, और सब तबर्रुक में सिरने में सब चीज़ों में हम लोग आगे रहते हैं तो ज़रूर इंसान देखते हुए नज़र आएंगे कि नहीं वहाँ चलो
पांच आदमी मिलके पंजतन का कुछ नारा लगाए, बस इतना ही काफ़ी है और क्या बता। ये धुना जो जलाए हुए है धुमन पांच पंजतन के नाम से, हमारा यहाँ से लेकर के अजमेर तक जलता है, जलाता आता हूँ। ये पांच पीर पांच पंजतन फकीर साधुओं के लिए एक अस्थाई जगह, पांच किस्म का जात भाई हो सबके लिए व्यवस्था के लिए, सोने उठने बैठने के लिए, जागरूकता के लिए आज 2014 से इस महफिल को हम लोग सजाए हुए हैं फतेह अली बाबा के दरबार में। हमारे फतेह अली बाबा साहब लगभग 350 पहले के बरस से यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे ऐसी करिश्मा दिखाए हैं जो कि अभी मेरे पास कहने का वक्त नहीं है, जो कि कोई कहावत लेकर भी कहानी है, कोई बगाल लेकर के भी कहानी है। और मैं भी एक पागल माँ का औलाद हूँ, कुछ करिश्मा मेरे पास भी है जो ताकि समझ नहीं पाते आदमी, मैं भी दिखाऊंगा, एक समय में आएगा तो देख पाएगा। इस धुना का मिस्तो मरतबा क्या है, कहते हैं लोग आइए तो गाना पीते हैं और धुना जलाते हैं, लेकिन इस गाना का क्या मरतबा है, और मेरा खाजा पिया ने क्या दिया है उसी का मैं पीता हूँ। ये गंजम है, मैं उसी का दीवाना हूँ, ना पीता तो ना मुझे याद आता, तो उसे पीता हूँ। ये गंजम क्या है मुझे भी मालूम नहीं, खुदा को दिन रात याद आता है, यही हमारा बेशक बात है। देने वाले का ये बात है पांच पंजतन का, ये हम लोग का फकीरों का वो से पाक का, ये दीन रसूल का आयले सुन्नत है, हम लोग लेके चलते हैं, नारा लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो भी आपके पास डाउट रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि पूरा हो गया होगा। ये जो कुएं के आकार का जो बनाया गया और जहाँ पे एक लॉ जल रही है, ये जितने भी अलग समुदाय के आते हैं या फिर जितने भी पीर फकीर लोग आते हैं यहाँ पे, एक जगह में रहने का बैठने उठने का सारा कुछ व्यवस्था रहता है, खाने पीने का तमाम चीज़ रहती है। तो ये सिर्फ इस छोटी मज़ार पे नहीं, आप जितने भी बड़े मज़ार जाएंगे इंडिया में जितने भी मज़ार है सब मज़ार में आपको इसी को ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, बट आपको ये चीज़ नहीं पता रहता है कि ये चीज़ है क्या। तो आज आपको आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस साल का जो मेला है काफ़ी अच्छा और तगड़े से लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, हालांकि मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, बादल क्या हो रहता है और बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, तो पर भी मेला अच्छा है। तो मेला का जर्नी कैसा रहा, हमारा कोशिश था कि एक अच्छी तरीके से आपको दिखाएं और ताकि आप अच्छे से समझ सकें और घर बैठे इसको एंजॉय कर सकें। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।